सर आज जम्मू पहुंचे हैं आप, कार्यक्रम है साहू समाज का, तो क्या सर कार्यक्रम को लेकर के आप यहाँ आए? देखिए, सबसे पहले हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि सदन में लगातार हम मांग करते रहे थे कि दानवीर भाभा शाह का पटना में राजकीय समारोह हो। उन्होंने इस मांग को कैबिनेट से मंजूरी दे दिया, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद और बधाई देना चाहते हैं। आज जमुई में जितनी बड़ी आबादी हमारे समुदाय की है, हमारी जाति की है, तो निश्चित रूप से हमारे जाति की हकमारी की गई है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद भी लगातार इस जाति को किसी ने कहा इसका मुंह देखने से जतरा खराब होता है, लेकिन आज तमाम जमुई जिला के तमाम साहू समाज ने साबित कर दिया है कि लोहिया जी ने कहा था जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागदारी, उसी का आज रूप जमुई के शहरों पर दिखा है। और हमें लगता है आने वाला वक्त जो चुनाव है, चाहे 24 हो या 25 हो, हमारे समाज का होगा, हमारा होगा। कहीं ना कहीं साहू समाज जो है राजनीति में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, बहुत कम लोग राजनीति में हैं, तो कैसे लोग राजनीति में आए, उसके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, आज तक इस जाति को सिर्फ कोषाध्यक्ष बना के रखने का काम किया गया है। आज तमाम साहू समाज के लोग, जिसकी आबादी पूरे प्रदेश में 7% है, तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं आबादी के अनुसार हमको स्थान दिया जाए। हमारे इस जाति से एक भी MLC नहीं है, एक भी राज्यसभा नहीं है, एक MP है, 9 MLA है। तो हमारा मिशन है कि 2025 में 25 MLA बनाने का मिशन है। इसी मिशन को लेकर हम लोग पूरे बिहार की यात्रा पर निकले हैं। साहू समाज के कार्यक्रम में आप लगभग जमुई बराबर आते रहते थे, लेकिन इस बार भी आए हैं और विधायक बन करके इस बार इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज का आशीर्वाद है कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता लगातार इस जिले ने, तमाम बिहार के 38 जिले में मैं भ्रमण करते रहा हूँ, अपने समाज मालिकों को जगाते रहा हूँ। और निश्चित रूप से आज आके बड़ी खुशी हो रही है कि जमुई में तमाम डॉक्टर नीरज गुप्ता के नेतृत्व में एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा है, और यह कहीं कहीं बड़ी राजनीति संकेत है इस जिला के लिए। आने वाला समय में निश्चित रूप से समाज को इनाम मिलेगा इस जिला में। नीरज साहु भी झाझा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका कहना है कि अगर कोई राजनीतिक दल द्वारा टिकट नहीं दिया जाएगा तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हैं, तो ऐसे में कैसे सपोर्ट करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से इस लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, चुनाव में खड़ा होने का, और उसी के तहत डॉक्टर नीरज गुप्ता भी एक इस देश के नागरिक है, इस राज्य के नागरिक है, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो ऐलान किया है कि राजनीति में हम चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी से, तो आने वाला समय में निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। समाज आगे कैसे बढ़े, जहां विधायिका पास होता है, जहां कानून बनता है, वहां हमारे जाति लोग ज़्यादा लोग पहुंचे, ये हमारा एजेंडा है। अगर सर वो निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो आप पार्टी के अलावा जाति के होने के नाते क्या सहयोग करेंगे? देखिए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। जब 2025 का हमने कहा ना कि 2025 में 25 MLA बनाने का लक्ष्य हमने रखा, तो निश्चित रूप से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।